हम बात कर रहे हैं गंधार ऑयल एंड रिफाइनरी की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 1% के ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। इससे पहले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके थे 224 तक के टारगेट को, जहां से स्टॉक ने रिजेक्शन लेके दो दफ़ा गिरावट दिखाई थी। हम देख सकते हैं जंप आया वहीं तक का ही, लेकिन ऊपर की ओर सस्टेन नहीं हो पाया, रिजेक्शन के साथ गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन इस चार्ट पैटर्न पर थोड़ा सा हम नज़र करते हैं तो समझता है कि जंप के बाद गिरावट आई है तो लो ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इसके बाद एक जंप आया, हाई ब्रेकआउट हुआ और हाई को ब्रेकआउट करके स्टॉक ने अगेन गिरावट दिखाई तो लो को ब्रेक डाउन नहीं किया। जंप आया है, गिरावट आ रही है तो स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल से ना ऑलमोस्ट 214 का लेवल इसका सपोर्ट लेवल रहेगा, इसके आसपास से स्टॉक हमको अगेन बाउंस बैक दिखाता नज़र आ सकता है। यहाँ से ट्रेंड को अगर देखा जाए तो गंधार में आप यहाँ से अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। अब नीचे की ओर जैसे डिस्कस किया गया 214 इमीडिएट सपोर्ट है, ब्रेक डाउन कर जाता है तो मेजर सपोर्ट है जो लो 208 का लेवल रहेगा। इस लेवल का ब्रेक डाउन मतलब फिर बड़ी गिरावट 200 से लेकर 180 तक का भी फिर फॉल स्टॉक दिखा सकता है। तो अब यहाँ से जैसे हमने डिस्कस किया चार्ट पैटर्न पॉजिटिव है, यहाँ से अप ट्रेंड स्टॉक दिखाता नज़र आ सकता है, लेकिन इसका कन्फर्मेशन उस वक्त मिलेगा जब स्टॉक अपने इस हाई को, जहाँ से तीन दफ़ा स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है 224 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करेगा, उस वक्त हमारे लिए हमको गंधार के ट्रेंड का कन्फर्मेशन मिल सकता है। फिर यहाँ से गंधार हमको लगातार अप ट्रेंड दिखाता नज़र आ सकता है। तो इमीडिएट टारगेट 220, ब्रेकआउट कर गया तो 224 और 220 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है गंधार तो फिर उसके बाद और बड़ा अपसाइड, नेक्स्ट टारगेट 230 और 240 तक का भी जंप गंधार दिखा सकता है। 240 तक के भी टारगेट फिर गंधार में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।